जय बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर का सेकंड चैप्टर तरंग प्रकाश की यानी वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोगों को कला संबद्ध स्रोत के बारे में पढ़ना है यानी कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो कला संबद्ध सोर्स या कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? देखें, ऐसे तरंग स्रोत जिनसे चलने वाली तरंगों के मध्य की कला समय के साथ साथ न परिवर्तित हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे तरंग स्रोत जिनके मध्य का कालांतर समय के साथ परिवर्तित न हो, तो ऐसे स्रोत को ही हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अब इसके बाद हम प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें पढ़ेंगे। तो प्रकाश व्यतिकरण के बारे में आप पढ़े हैं कि जब समान आवृत की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में साथ साथ गति करती हैं, तो अध्यारोपण के कारण परिणामी तीव्रता कहीं पर अधिकतम तो कहीं पर न्यूनतम हो जाती है। यानी प्रकाश कहीं चमकीला दिखाई देगा, प्रकाश कहीं डार्क दिखाई देगा, कहीं चमकीला दिखाई देगा, कहीं डार्क दिखाई देगा, तो इसको हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो अब प्रकाश व्यतिकरण के लिए प्रकाश व्यतिकरण की कुछ शर्तें हैं। शर्तें का मतलब ये हुआ कि प्रकाश का व्यतिकरण तभी होगा जब इन शर्तों का पालन होगा। इसमें सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि दोनों प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश तरंगे निकल रही हैं, उन तरंगों के बीच का कालांतर सदैव स्थिर रहना चाहिए। यानी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली दोनों तरंगों के बीच का जो कालांतर है, जब स्थिर रहेगा तभी प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होगा, अन्यथा व्यतिकरण नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरी शर्त ये है कि दोनों प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य अथवा आवृत्ति दोनों समान होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है। इसके बाद तीसरी शर्त ये है कि दोनों तरंगों के जो आयाम हैं, दोनों तरंगों के आयाम बराबर हो अथवा लगभग बराबर हो। तो ये तीसरी व्यतिकरण की शर्त थी। अब इसके बाद हम लोग चौथे शर्त को देखें, तो चौथा शर्त ये है कि दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के निकट होना चाहिए, एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए, तभी प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होगा, अन्यथा व्यतिकरण नहीं होगा। और फिर इसके साथ साथ जो पांचवी शर्त है वो ये है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का मतलब बिल्कुल पतला छिद्र हो जिससे प्रकाश तरंगे निकल रही हो। तो ये प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की शर्तें थी। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि प्रकाश तरंग के व्यतिकरण के संबंध में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यंग। यंग ने एक प्रयोग किया और उनका प्रयोग क्या था मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्होंने किया क्या कि एक पर्दा लिया और उस पर्दे में बारीक छिद्र कर दिया। ऐसे हम इस पर्दे को यहां दिखाते हैं। एक पर्दा लिया
और इस पर्दे में इन्होंने बारीक छिद्र कर दिया। इसके बाद कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा था, इस दूसरे पर्दे में ये दो छिद्र कर दिया, और इसके बाद अंत कुछ और दूरी पर इन्होंने एक स्क्रीन लगा दिया। इस स्क्रीन पर चित्र दिखाई देगा, जो फ्रिंज जो चमकीली पट्टी या काले रंग की जो पट्टी थी, ये पट्टी यही दिखाई देगी। तो इस प्रकार देखे होता क्या है कि यहाँ पर कोई प्रकाश तरंग स्रोत था। जब प्रकाश तरंग स्रोत था तो यहाँ से प्रकाश की जो तरंग थी वो बाहर निकलती थी, और आपको मालूम है कि तरंगे जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वो तरंगे फैलती जाती हैं, और फैलते फैलते जब ये तरंग इस छिद्र पर पहुंचती हैं तो हमने आपको बताया था कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है। तो तरंग स्रोत का कार्य करता है, तो यहाँ से फिर अब एक दूसरी तरंग उत्पन्न होती है, और ये तरंग जो है फिर इस तरह से आगे बढ़ने लगती है। और यही नहीं, फिर यहाँ से ये जो छिद्र है, इस छिद्र से भी एक दूसरी तरंग निकलने लगती है, और इस प्रकार यह तरंग आगे बढ़ने लगती, ऐसे आगे बढ़ती है। अब ये तरंगे दोनों एक दूसरे को जहां मिलती हैं वहां पर, अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि कितने कोण पर मिल रही हैं। तो कहीं संपोषी व्यतिकरण होता है, कहीं विनाशी व्यतिकरण होता है। तो जब संपोषी व्यतिकरण होता है, तो जहां संपोषी व्यतिकरण होता है, सबसे बीच वाले भाग में संपोषी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण का मतलब चमकीली पट्टी मिलती है, और इसके बाद ऊपर के तरफ जाने पर फिर काले रंग की पट्टी मिलती है, फिर ऊपर जाएंगे चमकीली पट्टी मिलेगी, फिर इसके बाद काले रंग की पट्टी मिलती है, फिर ऊपर बढ़ेंगे सफेद पट्टी मिलेगी, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो काले रंग की पट्टी। तो इस प्रकार ये सफेद रंग की पट्टी, काले रंग की पट्टी, ये पर्दे के ऊपर दिखाई देती है। जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा कह लीजिए, या टेलीविजन का जो स्क्रीन होता है ना, टेलीविजन के स्क्रीन पर ये काले रंग की पट्टी, सफेद रंग की पट्टी, काले रंग की पट्टी, सफेद रंग की पट्टी मिलती जाएगी। इन पट्टियों को एक अलग से नाम दिया गया है, जिसको हम फ्रिंज कहते हैं। तो जो काले रंग की पट्टी थी उसको अदीप्त फ्रिंज कहा गया था, अदीप्त फ्रिंज, और जो सफेद रंग का फ्रिंज पट्टी थी उसको दीप्त फ्रिंज कहा गया। और इस प्रकार पर्दे के ऊपर वैज्ञानिक यंग ने व्यतिकरण को प्रस्तुत किया था, तो यही यंग का प्रयोग था। तो आज आप लोगों ने देखा दो डिफिनिशन, पहली तो डिफिनिशन आपने कला संबंध स्रोत का देखा था, और इसके बाद प्रकाश व्यतिकरण की पांच शर्तें थीं, उन शर्तों को आपने देखा, और फिर आपने देखा कि वैज्ञानिक यंग ने प्रकाश व्यतिकरण का कैसे प्रदर्शन किया था। तो इस प्रकार ये तीनों चीज़ें हमें उम्मीद है कि आज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।